अब ये सवाल नंबर दो है, विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर दो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगे समझ में आए तो भाई शेयर वेयर कर देना, दोस्तों को बता देना, वो लोग भी पढ़ लेंगे। तुम्हें अगर समझ में आए तो पढ़ो, वीडियो देखो। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर इतना द्वारा प्रदत्त फलन एक्स बराबर ई पर उच्चतम है। उच्चतम का मतलब ये हुआ कि द्वितीय अवकलन में मान रखने पर माइनस में आना चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं तुरंत। पहले तो सवाल हम लोग लिख लें, सवाल के अंदर से सवाल को बाहर ला लिए, तुरंत अवकलन कर दीजिए। एफ डैश एक्स बराबर हॉर इंटू अंश का अवकलन एक बटे एक्स माइनस अंश इंटू हर का अवकलन क्या हो जाएगा, एक। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ठीक है। अब फिर नीचे एक्स स्क्वायर यानी हर का स्क्वायर, अब क्या होगा, एक्स एक्स कट जाएगा, वन माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, ये समझो समीकरण नंबर एक। अब इसका एफ डैश एक्स बराबर जीरो रख दो, ठीक है, तो जीरो बराबर जाएगा वन माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो वन माइनस लॉग एक्स बराबर जीरो, तो लॉग एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ से बेस ई छिपा रहता है, बेस में ई क्या छिपा रहता है, अगर इसको घातीय रूप में लिखेंगे तो ई की पावर वन इक्वल टू एक्स, ई की पावर वन इक्वल टू एक्स यानी एक्स बराबर आ गया ई। अब हम इसका द्वितीय अवकलन करेंगे, द्वितीय अवकलन में एक्स का मान यही रखेंगे और देखेंगे कि चिन्ह माइनस में आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये उच्चतम है। तो द्वितीय अवकलन होगा, एफ डबल डैश करो, यहाँ डबल डैश एक्स इक्वल टू हर पहले लिखेंगे इंटू अंश का अवकलन यानी वन माइनस एक्स लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो इसका जीरो, माइनस लॉग एक्स का एक बटे एक्स होगा लेकिन माइनस में, ठीक है। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश अंश इंटू हर का अवकलन, हर कितना एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा टू एक्स बटे में क्या रहेगा, हर का होल स्क्वायर, स्क्वायर पहले से था तो चार घात हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, समझ गए। अब जरा देखो आगे, एक्स एक्स कट गया माइनस एक्स बचा, टू एक्स का अंदर गुणा करो, माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू एक्स इंटू लॉग एक्स बटे एक्स की पावर फोर। अब एक्स का वैल्यू ई रखेंगे, उसमें देखेंगे चिन्ह प्लस में आता है माइनस में, एक्स बराबर ई पर एफ डबल डैश एक्स का मान क्या आएगा भाई, माइनस ई माइनस टू ई प्लस टू ई और लॉग एक्स यानी लॉग ई, और यहाँ बेस भी ई छिपा रहता है बट ई की पावर फोर। अब बेटा लॉग ई बेस ई का मान क्या होता है, वन होता है, लॉग इतना बेस भी उतना रहेगा तो ये लॉग का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा जितना मेरे घेर दिया उतना वैल्यू वन हो गया, तो वन का गुणा टू ई में करेंगे तो टू ई, तो प्लस टू ई माइनस टू ई कट गया, प्लस टू ई माइनस टू ई कट जाएगा क्योंकि इधर वन है, तो प्लस टू ई माइनस टू ई कट गया, बचा क्या माइनस ई बचा बटे ई की पावर फोर बचा। अब देखिए ई से ई कट गया लेकिन माइनस एक बटा ई की पावर तीन आ गया। ये जो वैल्यू आया है ये किस में आया, माइनस में, माइनस में आने का मतलब क्या होता है, फलन उच्चतम होता है, तो अतः ये फलन क्या है, उच्चतम है। लेकिन चूंकि यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, ठीक है, लिख देंगे अतः, इसलिए एक्स बराबर ई पर फलन उच्चतम है, फलन क्या है, उच्चतम है, बस हो गया काम। अब आप इसी चीज़ को परीक्षा में खूब सजा के, खूब ढंग से, खूब इज्जत से, खूब साफ सुथरा, खूब बढ़िया तरीके से लिखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छा नंबर मिले, क्लियर। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलेंगे आगे, देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।